आपने कहानियों में सुना ही होगा कि जान गायब हो गया, कई रातों तक दिखा नहीं। लेकिन ऐसा हकीकत में भी एक बार हुआ है, जब धरती से कई महीनों तक चांद दिखाई नहीं दिया था। ये बात करीब 910 साल पुरानी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? वैज्ञानिक अब इसका कारण खोज पाए हैं, वो भी सालों के गहन और कठिन खोजबीन के बाद। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महीनों तक गायब था चांद। 910 साल पहले कई महीनों तक धरती पर सिर्फ रात थी, दिन की रोशनी तो पता चलती थी, लेकिन रात होते ही चांद नहीं दिखता था, रात और भी काली दिखती थी। ऐसा हुआ था धरती की वजह से। इस बात ने भी वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया था। स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और क्यों। पता चला कि 1104 में आइसलैंड के ज्वालामुखी हेकला में भयानक विस्फोट हुआ। इसके बाद उसमें लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहे। ज्वालामुखी हेकला के इन विस्फोटों से भारी मात्रा में सल्फर गैस और राख निकली, जो सर्दियों की वजह से हवा में तेजी से घुलती चली गई। धीरे धीरे 4 साल में इसने धरती के स्ट्रेटोस्फीयर को ठक दिया। फिर क्या था? पूरी धरती में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। 1108 से 1113 तक धरती के ऊपर कई महीनों तक दिन में थोड़ी रोशनी तो पता चलती थी, लेकिन रात होते ही और भी गहरा अंधेरा छा जाता। धरती के किसी भी कोने से चांद बिल्कुल नजर नहीं आता था। इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। तो अब आपने जान ही लिया होगा कि ऐसा सिर्फ किसी कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे अर्थ पर रियल जिंदगी में भी होता है, जो अभी नहीं बल्कि 910 साल पहले हुआ था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। साथ ही से लाइक और शेयर भी कीजिए। और ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग तथ्य और जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।